जिला मुख्यालय के एवी पेट्रोल पंप से ट्रक चोरी का मामला सामने आया है, जहां सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कोतवाली थाना प्रभारी सोनू सितोले एवं पुलिस टीम ने शिकायत 12 घंटे में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे ट्रक जब्त कर बड़ी सफलता प्राप्त की है। दरअसल स्थानीय एवी पेट्रोल पंप पर रिजवान शेख का ट्रक के 2 चालकों अर्जुन और मोंटी द्वारा खड़ा किया गया था। वहीं रुपए के लेन देन के चलते मोंटी उर्फ मोहित और उसके 2 सहयोगी रिजवान शाह संतोष वास्कली ने रिजवान शेख का ट्रक चोरी कर फरार हो गए। ट्रक मालिक ने थाने पर शिकायत की, जिस पर पुलिस ने पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के आधार पर 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी ट्रक को महाराष्ट्र ले जाया जा रहे थे। डीजल खत्म होने से आरोपियों ने ट्रक को लौनसरा की पहाड़ी के पीछे छुपा दिया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया। हाल ही में ट्रक चोरी का मामला कल दिनांक को थाना कोतवाली पर फरियादी रिजवान शेख के द्वारा अपने 25 लाख के ट्रक की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए वहां के वीडियो फुटेज के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उक्त आरोपियों के कब्जे से ट्रक चोरी गया ट्रक बरामद किया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कर जेल भेजा गया है। उक्त प्रकरण में 3 आरोपी मोंटी उर्फ मोहित जो थाने का निगरानी बदमाश भी है और संतोष वास्कले और रिजवान शाह नाम के 3 आरोपी थे जिनके द्वारा उक्त कृत्य किया गया। बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।